सैयदा नजर आते करना चाह के वेखी मैं पहलवानी मैं सैयदा सैयदा मैं नबी दी औलाद मेरी रगां विच नबी दा खून है अज दिल दिल गुजरे मेरी घर बिथियां ने भुख दे नाल फाकबियां कटदियां ने मैं पहलवान नहीं मैं सैयदा जुनेद नु ख्याल आया मैं जे सीने ते किवें बह जावां थोड़ा जे जोर लगा के ने सैयद नु चुके सीने ते बिठा लिया बादशाह भी वेख के हैरान दुनिया भी वेख के हैरान रह गई उन्हें आख्या मैं जित गया वां जुनेद ने सीने ते बोले नहीं ते मैं सुनानी ते है ग्रामी कदर हजरात बगदाद की गली बगदाद की गली विच ऐलान हो रहा कि जिहड़ा शाही पहलवान जुनेद नाल कुश्ती करेगा उन्हें मुंह मंगिया इनाम दिता जाएगा। इधर बगदाद की गली च एक सैयद पिया गुजरदा जिहड़ा बिल्कुल गरीब है रोजाना अपने पिंड चो दिहाड़ी लगाने वास्ते बगदाद के बाजार आंदा कि मैनू कोई मजदूर बना के घर लै जाए मगर अज तीन दिन गुजरे दिहाड़ी नहीं लगी घर में बेटियां जवान पुछ किसी गरीब के दिल खुल जदों दी दिहाड़ी ना लगे घर च बच्चे भुखे हो जिहड़ा रब ने तेरे मेरे ते महीना एक रोजे फर्ज किए ने इसे वास्ते किए ने कि जो शाम ने तेनों भुख लगे उस वेले तेनों फिर ख्याल आवे कि जो गरीब नूं भुख लगती होगी उहदे नाल की बणदी होगी जो गरीब तक बच्चा भुख ना रोंदा होगा ना उस वेले उस गरीब तक की बीतती होगी अल्लाह तेरे ते रोजे अमीर ते भी फर्ज कर दिते कि तेनों भी भुखे का ख्याल आवे कि भुखे नाल की बणदी है जो भुख दे नाल पेट च गर्मी पैदा होवे उस वेले गरीब तक की बीतती है जो बाप घर जाता है बेटिया के चेहरे वेख के शर्मिंदा हो जाती है बच्चिया बोलदिया नहीं कि बाबा परेशान हो गए एक दिहाड़ी नहीं लगी दूसरी नहीं लगी तीसरी नहीं लगी तो बाप वादा करके आया कि बेटी अज मैं कुछ ना कुछ खाने जरूर लैके आवांगा इधर शाम पै रही मजदूरी तीसरे दिन भी ना मिली बगदाद की गली च मुनादी हो रही कि जो शाही पहलवान बादशाह का शाही पहलवान जुनैद नाल कुश्ती करेगा ना उन्होंने मुंह मंगया इनाम दिता जाएगा जुनैद वक्त का अजीम पहलवान है वक्त का रुस्तम है सिर्फ पहलवान ही नहीं बादशाह का मसाहब भी है करीबी भी है कि जिंदी सिफारिश कर दे वजीर बनवा देता है बादशाह के तखत के नाल उहदे नाल बैठता है तखत बादशाह के नाल बैठता है सैयद ने जिहड़े वेले ऐलान सुनिया ते आपने बादू खड़ा कर दिता आख्या मैं कुश्ती करांगा आके ते बादशाह दे दरबार विच सरे बाजार आख्या बादशाह लिया अपना शाही पहलवान मैं कुश्ती करांगा बादशाह ने ते सारे ने सिर तो लैके पैरों तक वेख्या सैयद कमजोर है कई दिनों का फाका है ख्याल आया तू 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 जुनेद ना कुश्ती करेगा वक्त दा रुस्तम है ओदे कोल ते जितने इर्द गिर्द मुल्क ने ईरान शाम बगदाद सारे पहलवान ओदे कोल डरदे ने कोई करीब नहीं आता ओह हड्डियां तोड़ के रख देंदे तू दुबला पतला सैयद बादशाह नूं कहण लगा तैनूं अपने पहलवान ते एडा ही नाज़ है ते लिया मैदान च सियाने पंजाबी च कहंदे ने कि पतला वेख के डरीए ना लड़िए ना ते मोटा वेख के डरीए ना क्योंकि मैदान विच जिस्म नहीं लड़दे दिल लड़दे मैदान च जिस्म नहीं दिल लड़दे हौसले लड़दे उन्हें आख्या तू लिया ना अपना पहलवान मैदान च बादशाह की गैरत ने बर्दाश्त ना किया कितना बड़ा दावा कर रहे उन्हें आख्या अज ही कुश्ती होगी होनी होगी शाही अखाड़े च होगी जुनैद ने आख्या तैयारी करके लंगोटा करके तू भी आ ते सैयद ने इशारा करके कहने लगा तू भी आ जा बगदाद च ऐलान हो गया कि शाही कुश्ती होनी है जुनैद नाल को कुश्ती करन पहलवान आया सारा बगदाद उमड़ के आ गया अखाड़ा सज गया जुनैद पहलवान जड़े वेले अखाड़े के अंदर आए ना तो लोग ओहदा इंतजार कर रहे हैं कि जिहड़ा जुनैद नाल कुश्ती करेगा पर जो सैयद आया तो लोग वेख के हस पे दुबला पतला सिंगल पसली उन्हें आख्या जुनैद ना कुश्ती करेगा कई दिन का फाके वाला
पर कुश्ती शुरू होने लगी ना जेडे वेले बगदाद दे उस अखाड़े दे अंदर सैयदजादे ते जुनैद ने हत्था च हाथ डाले ते सैयदजादे नु महसूस हो गया कि मैं इहदे नालों बहुत जिस्मानी तौर ते कमजोर हाँ मेरियां हड्डियां तोड़ के रख देवेगा। जुनैद ने जदों थोड़ा जिहा जोर नाल दबाया ना कि सैयद ने जुनैद दे कन्नां चाकिया वेखी मैं पहलवानी मैं सैयद जुनैद ने सीने ते किवें बह जावा थोड़ा जिहा जोर लगा के ने सैयद नूं चुके सीने ते बिठा लिया। बादशाह भी वेख के हैरान दुनिया भी वेख के हैरान रह गई। उन्हें आख्या मैं जित गया वा जुनैद ने सीने ते सैयद नूं बिठा लिया। बादशाह कहन लगा ना ना मेरे पहलवान दा पांव फिसल गया दोबारा कुश्ती करो। दोबारा कुश्ती गई सैयद ने फिर जुनैद नूं बिछाड़ दिता। जुनैद ने सैयद नूं सीने ते बिठा लिया। बादशाह कहन लगा तीसरी बार कुश्ती करो। तीसरी बार भी सैयद नूं जुनैद ने सीने ते बिठा लिया। बादशाह ने सैयद नूं इनाम दे के भेजिया। जुनैद नूं महल विच बुला के आख्या एडा बड़ा पहलवान है दुबले पतले इंसान कोलों हार गया है। जुनैद दी अखां विच अथरुआं दी किंदार है। रो के कहन लगा मैं कोई शिमर ते नहीं जिहड़ा सैयद दे सीने ते बह जांदा। मैं कोई यजीद ते नहीं जिहड़ा नबी दी आ ते जुलम कर देंदा। मैं कयामत नूं नबी नूं मूंह किहड़ा वखाना सी। नौजवानों जिहड़े वेले जुनैद घर आए ते गलियां च रोंदे जा रहे अज बिस्ती बड़ी होई है अज जुनैद हार गया है। घर आके लेटे नींद नहीं आ रही अज मैं हार गया वहां सारे बगदाद धुम्मा पै गया जुनैद हार गया है। अद्धी रात वेले अख लग गई कमली वाले ख्वाब च आ गए। फरमाया जुनैद याद रखी मैं कयामत नूं तेरी इंज लाज रखनी है जिवें मेरे पुत्र दी लाज रखी आ। नौजवान पढ़ के वेख लो कादरी शजरा सारे पीरां दा पीर गौसे पाक है। गौसे पाक सारे पीरां दे पीर ने जुनैद बगदादी गौस पाक दे पीरां दे भी पीर। हुसैनियत 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 यजीदियत यजीदियत यजीदियत। सुभान अल्लाह जेड़ा प्यार करे नबी दी नसल दे नाल उन्हें मेरा नबी इंज नवाजदा है। गौस पाक ते सारे पीरां दे पीर ने जुनैद बगदादी गौस पाक दे भी पीर ने। जुनैद बगदादी कीता कि नबी दे पुत्र दा अदब कीता नबी दी याद दा इकराम कीता सैयद दा अदब कीता। हजूर ने फरमाया मेरे नाल प्यार करो मेरे अल्लाह दी वजह तो मेरी आल नाल प्यार करो मेरी वजह तो। सैयद गुनाहगार भी होवे ते अदब ना छड्या जाए क्योंकि हीरा चिकड़ च भी पिया होवे जदों धोवो हीरा ही है। ठीक है हीरा हीरा ही होंदा है। गिरामी कदर हजरात जिन्हां दी रगा च नबी दा खून होवे उन्हां सैयदां दा अदब ते इहतराम करो करो। इन्हां दा अदब नेकियां इक पासे ते नबी दे खून दा अदब एक पासे। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी अपनी किताब अल इफादत अल यौमिया च लिखी है हिंदुस्तान के अंदर एक मौलवी साहब सन जिन्हां दा नाम सी मौलवी कलंदर अली। ऐसे फायदे आलम दीन के हर रात ख्वाब च नबी पाक दी ज़ियारत नसीब होंदी है। इत्थे सुभान अल्लाह कहनी बनदी सी अल्लाह सारे दे नसीबा च करे। दिल करदा ना नबी दी ज़ियारत करन दा। कुलिया दसा एक गल याद रखियो मेरी मिल्लत दे नौजवानों रात नूं सौण लगे फिल्म वेख के ना सोया कर गाना सुन के ना सोया कर। रात नूं सौण लगे फेसबुक ते व्हाट्सएप नहीं। कुलिये दी गल याद रखियो जिन्हां दे ख्याल आउंदे ने ख्वाब भी उन्हां दे आउंदे ने। जे तेनों ख्याल चंगिया दे आउंदे ने ते ख्वाब च भी चंगे ही आउंदे ने ते जो ख्याल तू मंदे रखना ते फिर ख्याल भी तेनों मंदे ही आउंदे ने। ते राती सौण लग्या दरूद पढ़ के ख्याल नबी दा लै के ते सौवीं।
आखदा आखदा सो जाया करना, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। फिर राती आवे कमली वाला ख्वाब विच ते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। राती मुस्तफा मुस्तफा जपदा सरकार ते दरूद पढ़दा पढ़दा सो जाया करना। फिर वेखी किस्मत यावरी कर दी, अज नौजवान आके मैनू पुछदे ने कि आसी साहब मेरा दिल करदा मैं नमाज पढ़ा, मेरा दिल करदा मैं पक्का नमाजी हो जावा। औरतां के माइयां वडेरियां मैनूं पुछदियां कि आसी साहब दिल करदा कि नमाजी बन जाइए असीं घर वाले, मगर कुलिया की है, कायदा की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, पीरे तरीका